अप्रैल का महीना चल रहा है। इस साल ये महीना न सिर्फ तीज त्योहारों बल्कि ग्रहों की दिशा और दशा के नजरिए से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी महीने में हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। चैत्र नवरात्रि भी इसी महीने में आती है। रामनवमी जैसा मुख्य पर्व भी इसी महीने में मनाया गया है और अप्रैल के महीने में ही पहला सूर्य ग्रहण शनिचरी अमावस्या के दिन पड़ने वाला है। दूसरी तरफ ग्रहों की बात करें तो इसी महीने में दो सबसे महत्वपूर्ण और बड़े ग्रह राहु और शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि और राहु के गोचर का चैत्र नवरात्रों पर भी गहरा असर देखने को मिला। इसी बीच राशियों की बात करें तो शनि गोचर के प्रभाव से जहां कुछ राशियों को राहत मिलने वाली है तो वहीं कुछ राशियों पर शनि का प्रकोप बरसने वाला है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल एनएन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। पंचांग के अनुसार शनि 24 जनवरी 2020 से ही मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में करीब 2.5 साल का समय लगाते हैं। पिछले वर्ष यानी 2021 में शनि का राशि परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन इस साल यानी 2022 में शनि अपनी राशि बदलेंगे। 29 अप्रैल 2022 में शनि मकर राशि छोड़कर कुंभ में गोचर शुरू कर देंगे। शनि का गोचर कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मुसीबत बनकर आ सकता है। वर्तमान समय में शनि की 5 राशियों पर विशेष दृष्टि है, जिसमें से मिथुन और तुला पर शनि की ढैया, वहीं धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन 29 अप्रैल से शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि राशि परिवर्तन से कुंभ वालों पर शनि 7.5 का सबसे कष्टदायी चरण शुरू हो रहा है। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही धनु राशि वालों को शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। विशेष बात ये है कि धनु राशि पर 7.5 साल बाद शनि की इस दशा का अंत होने जा रहा है। लंबे समय बाद इस राशि के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कर्क और वृश्चिक वालों पर शनि ढैया रहेगी। शनि के गोचर से मकर और मीन वालों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।